दुर्ग पुलिस ने फायर ब्रिगेड कर्मचारी के साथ हुई लूट के मामले का खुलासा किया है। आरोपी ने दमकल कर्मी की आंखों में मिर्च पाउडर छोककर उसके ऊपर चाकू से हमला किया था। उसके बाद उसका मोबाइल और पर्स लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला 6 जून 2022 का है। फायर ब्रिगेड कर्मचारी पर ड्यूटी से लौटते समय कुम्हारी के चेटुआ पुलिया के पास मोटरसाइकिल पर सवार तीन लड़कों ने उसे रोका, आंखों में मिर्ची पाउडर फेंक कर मारपीट करते हुए मोबाइल फोन और पर्स लूट कर वो भाग गए। पुलिस ने पूरे मामले को लेकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हादवी का ये घटना 6 जून 2022 की है। जितेंद्र धुर्वे नाम का एक आदमी जो इस केस में प्रार्थी है, फायर ब्रिगेड का कर्मचारी भी है, रायपुर में अपनी ड्यूटी से वापस आ रहा था और ग्राम जेवरा का निवासी है। आने के क्रम में रात में लगभग 10:30-11 बजे के बीच तीन लोगों ने इसे रोका, इसके आँख में मिर्च की पाउडर मारी और थोड़ा विरोध करने पर चाकू भी मारा और इसे कुछ पैसे, एक मोबाइल जो वीवो का मोबाइल था, पेन ड्राइव, आई कार्ड और इसके पास पॉकेट में जो भी था सब लेकर चले गए थे।